Hi, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you forfeiture and reuse of share related problem. Okay. The first example is BT Limited forfeited 2,200 shares of Rs. 10 each, issued at a premium of Rs. 5 per share for non-payment for the final call theory per share. 100 out of this share were reissued to discount of Rs. 4 per share. Okay. यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपनी ने शेयर इशू किया हुआ है, ठीक है, कंपनी ने जो शेयर इशू किया हुआ था वो किसको दिया हुआ था, कंपनी ने 200 शेयर को जिसको फॉरफिट कर रही है उसको कंपनी 10 रुपीस पे ईच पे इशू की थी, वो भी किस पे था, वो प्रीमियम पे, प्रीमियम कितने का था, 5 रुपीस का था, और एक शेयर होल्डर जिसका नाम क्या है, मोहन है, जिसने पेमेंट नहीं किया है फाइनल कॉल का और 3 रुपीस पर शेयर से, उसके शेयर कंपनी क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है, कितने शेयर को, 200 शेयर को, और उसमें से कितने शेयर को रीइशू कर रही है, 100 शेयर को, ठीक है, और भी कितने पर, डिस्काउंट पे। अब यहाँ पे देखिए कि कंपनी ने यहाँ पे जो एक एग्जांपल जो इसके साथ लेके चलते हैं कि कंपनी का जो शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 200 शेयर, ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 रुपीस का है, अब कंपनी क्या कह रही है, इसमें 5 रुपीस प्रीमियम का है, यानी इसमें प्लस क्या है, रुपीस 5 क्या था यहां पे, प्रीमियम, ओके, यानी कंपनी ने इसको 15 रुपीस में की हुई है, लेकिन अब कंपनी कह रही है कि फाइनल कॉल के अमाउंट उसने 3 रुपीस के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, यानी फाइनल कॉल कितने रुपीस का था, इसका फाइनल कॉल कितने रुपीस का था, रुपीज 3 का, जिसका इसने पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो प्रीमियम की अमाउंट थी वो पेमेंट हो चुकी है, इसलिए जब भी हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे तब उसमें प्रीमियम की अमाउंट नहीं आएगी इसका, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जनरल एंट्री क्या होगी कि कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 200 है, 10 रुपीज ईच का है, प्रीमियम की अमाउंट ऑलरेडी पेड हो चुकी है, तो इसका तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है, और किसका पेमेंट नहीं किया था, फाइनल कॉल का। अब देखते हैं इसकी जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, और क्या नहीं दिया था इसने, फाइनल कॉल, अनपेड कॉल में कौन सा था इसका, फाइनल कॉल, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखते हैं कि अब कंपनी कितने शेयर को फॉरफिट कर रही है, 200 शेयर को फॉरफिट कर रही है, और कितने रुपए से कॉल की हुई थी कंपनी, 200 इंटू कॉल अप अमाउंट कितनी है इसकी, कंपनी ने तो मांगा कितना है, 10 रुपीज तक, तो यहां पर 200 इंटू 10 और किसका अमाउंट पे नहीं किया था, फाइनल कॉल का, तो 200 इंटू 3 और जितना अमाउंट उसने पेमेंट किया वो कहां पे आ जाएगा, फॉरफिटर में, 200 इंटू 7, यानी इसके कंडीशन में जो जनरल एंट्री होगी वो क्या आ जाएगी यहां पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखिए कैपिटल में कितना आएगा, 200 इंटू 10 2000 जितना उसने पेमेंट किया, हमेशा ये ध्यान रखना कि जितना भी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पेमेंट किया होता है वही अमाउंट कहां पे आती है, फॉरफिटेड में, यानी 200 इंटू 7 के हिसाब से इसने पेमेंट कर दिया कितने का, 1400। अब जितना अमाउंट अनपेड है तो 200 इंटू 3 के हिसाब से कितना अमाउंट अनपेड हो गई, 600। ओके, तो नेशन क्या होगा, बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड। ओके, अब कंपनी फॉरफिट कर रही है, कंपनी उसमें से क्या कितने शेयर को इशू कर रही है, 100 शेयर को कर रही है, और भी कितने रुपीस में, 4 रुपीस डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट यहां पे यूज नहीं होता है, जहां पे डिस्काउंट की बात आती है तो वहां पे किससे यूज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, फॉरफिटर से, जिसका मतलब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
आप देखिए कितने रुपए में कर रही है कंपनी, कह रही थी 4 रुपए डिस्काउंट पे, 10 रुपए का शेयर था 4 रुपए डिस्काउंट में, यानी कंपनी जो मांग रही है इस रुपए कितना, 10 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 6 रुपए से, यानी बैंक में कितने से आएगा 100 × 6 कितना आ गया यहाँ पे 600। एक्चुअल में कंपनी ने कॉल अप कितना किया था 10 रुपए से, तो कैपिटल में कितने से आएगा 100 × 10 = 1000। और कंपनी डिस्काउंट कितना दिया, जो भी डिस्काउंट दिया उसको किससे एडजस्ट करेगी वो फॉरफिट से, तो 100 × 400। ओके अब देखिए यहां पे कंपनी 100 शेयर फॉरफिट रेस की, तो इसका डिनोमिनेशन क्या जाएगा, बीइंग फॉरफिटेड शेयर, बीइंग फॉरफिटेड 100 शेयर रेस। अब देखिए कंपनी के पास 200 शेयर फॉरफिट किया था, कंपनी ने 100 शेयर को रेस्यू किए, तो अब इसका जो भी अमाउंट आएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब इसको कैपिटल रिजर्व के अमाउंट निकाल के जो नेक्स्ट जनरेंट क्या होती है, तो इसके लिए नेक्स्ट जनरेंट क्या हो जाएगी यहां पे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे करने का दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो एक नॉर्मल चीज है कि कंपनी ने 200 शेयर पे लिया हुआ था, कितना मिला हुआ था उसको 1400, तो 100 शेयर पे कितना होगा, तो इसका एक रफली देख लेते हैं यहां पे कि 200 शेयर पे कंपनी को मिला था कितना 1400, तो 100 शेयर पे कितना आएगा, तो 1400/200 एक शेयर पे कंपनी को मिला कितना 7, तो 100 शेयर के लिए कितना हो जाएगा, तो 100 × 7 कितना आ गया यहां पे 700, और कंपनी ने इसमें यूज कितना किया है 400, तो कैपिटल रिजर्व कितने का आ गया है 300। एक तो इस टाइप से हो सकता है कि यहां पे हम लोग कैलकुलेशन करें, तो उससे मैं भी बता देता हूं कि कंपनी ने को मिला कितना था 7 रुपए, यानी 7 रुपीज तक एक शेयर भी मिला, लेकिन कंपनी ने जब रीइश्यू किया तो कितने शेयर का यूज कर लिया, उसमें से 7 रुपीज में कंपनी ने कितना यूज कर लिया 4 रुपीज तक, तो कंपनी के पास रिमेनिंग कितना बचा है, मिला था 7 रुपीज, ओके अब यूज कंपनी ने कितना किया है 4 रुपीज तक, तो रिमेनिंग अमाउंट बची कितनी है 3 रुपीज से, यानी 3 रुपीज से उसकी कैपिटल प्रॉफिट हो रही है एक शेयर पे, एक शेयर का कैपिटल प्रॉफिट अगर 3 रुपीज की हो रही है तो 100 शेयर पे कितना हो जाएगा 100 × 3 करने पे कितना आएगा यहां पे 300। अगर इसके हिसाब से लेकर चलें तो भी वही चीज आएगी, और इसके हिसाब से जो आपको इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हो। फिर से बताता हूं, फर्स्ट कंडीशन में निकालने के लिए 200 शेयर पे मिला कितना था 1400, और तो 1 शेयर पे कितना 7, तो 100 शेयर पे कितना हुआ 700, यूज कितना किया 400, तो कैपिटल रिजर्व कितनी आ गई 300। या दूसरे हिसाब से और दे सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। यहां पर देखिए कंपनी को मिला कितना था शेयर, एक शेयर पे मिला कितना था 7 रुपीज, और उसने एक शेयर पे यूज कितना कर दिया 4, यानी कितना बचा हुआ है कंपनी के पास, यानी कैपिटल प्रॉफिट कितने की हुई पर शेयर 3 रुपीज का हुआ, तो नंबर ऑफ शेयर कितना ही कंपनी इशू की हुई है 100, तो 100 × 3 किया तो कितना आ गया 300, तो नेशन क्या होगा बीइंग गेन ऑन रीइशू कहां ट्रांसफर करिए, गेन ऑन रीइशू को कहां ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कहां पे करना होगा इसको, किस जगह पे हम लोग कर रहे हैं, कहां पे कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ओके। अब इस तरह से अब देखते हैं कि कंपनी की जो कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ था और कंपनी ने इसे रेइश्यू किया है, ठीक। अब इसके बाद और भी आगे आगे प्रॉब्लम लेके आएंगे, अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ओके थैंक यू।